उसके गले में यहाँ पर ऐसे एक हड्डी होती है, ऐसे यू जैसी होती है, यू ये वाली, ऐसे देखो ऐसे घूम के आएगी, ऐसे जेब से लगेगी, ऐसे घूम के आएगी, इसको लिखेंगे आप यू शेप्ड बोन, यू आकार की हड्डी। और कौन सी है यू आकार की हड्डी, तो आप बताएंगे इसको बोलते हैं थ्रोट बोन, इसको बोलते हैं थ्रोट बोन, गले की हड्डी। और नाम पूछ ले इसका तो क्या नाम है बच्चा इसका, हायोट, क्या नाम है, हायोट। किससे लगी हुई है ये, इसकी जीभ से लगी हुई है, जीभ को पकड़ के रखती है, इसकी जीभ को पकड़ के रखती है, हमारी जीभ को स्ट्रेंथ देने वाली, जीभ को पकड़ के रखने वाली हड्डी कौन सी है आप बताओगे, हायोट। अगर आपने किसी का हायोट बोन तोड़ दिया, मान लो आपने किसी को यहां मारा, उसकी हड्डी टूट गई, तो ये यहां से टूटेगी, इसकी जीभ को जिसने पकड़ रखा था वो हड्डी टूट गई, तो इसकी जीभ पर कोई कंट्रोल नहीं, इसकी जीभ बाहर आके गिर जाएगी, बाहर आके गिर जाए। कुत्तों की जीभ देखी है आपने, कुत्तों की जीभ कितनी बाहर लटकी हुई होती है, क्यों लटकी हुई होती है, क्योंकि कुत्तों की जीभ में ये जो हायोड है और ये जो जीभ है उसके बीच में डिस्टेंस ज्यादा होता है, तो वो प्रॉपर तरीके से पकड़ नहीं बना पाती है हायोड, इसलिए कुत्तों की जीभ बाहर की साइड लटकी हुई होती है।